This is NDTV and you're watching NDTV Prime in association with Micromax, nothing like anything. चौदह क्या रियल एस्टेट के लिए एक यादगार साल साबित होगा क्या यह साल इस सेक्टर की परेशानियों का हल लेकर आ सकता है मार्केट में ऐसी कई रिपोर्ट है जो ये कहती है कि माहौल बदल रहा है कोई कहता है कि कमर्शियल प्रॉपर्टी में उछाल आएगा तो कोई कहता है कि प्राइवेट इक्विटी कंपनियां खूब पैसा लगा सकती हैं लेकिन इंतजार किसका है चुनाव पूरे होने का नई सरकार चुने जाने का या फिर अमेरिका और यूरोप के कुछ देशों में देखी जा रही तेजी का असर भारत तक पहुंचने का तो इन सब मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं सचिन गुलाटी जो कि लोकल डायरेक्टर स्ट्रेटिजिक कंसल्टिंग है जेएल इंडिया के साथ और रवि आहूजा हैं जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं कुश्मिन एंड वेकफील्ड इंडिया का तो आइए आप, आप दोनों का स्वागत है हमारे स्टूडियो में सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं रवि आपको क्या लगता है है कि आसार आपको नजर आ रहे हैं कि शायद अब रियल एस्टेट के लिए अच्छे दिन आने वाले हैं देखिए ऑफ टुडे रियल एस्टेट के लिए दिन इतने अच्छे नहीं चल रहे हैं वो तो सब जानते हैं लिक्विडिटी क्रंच जो डेवलपर्स को या हेवीली लीवरेज डेवलपर्स को परेशानी में डाले हुए हैं सेल्स ट्रैगनेंट है और मैं समझता हूँ कि जो इनडायरेक्ट स्कीम्स के थ्रू डेवलपर्स जो कटौती प्राइस में कर रहे थे सेल्स बढ़ाने के लिए वो ये फेस्टिव सीज़न एक दिवाली चले गया मकर संक्रांति चले गई मंडे को आ, गुड़ी पाड़वा चले जाएगा मैं समझता हूँ स्टैगनेंसी जो सेल्स में है वो बनी रहेगी इस दौरान जो इलेक्शन का माहौल है वो ये तो साबित करेगा कि अगर हमें आ, एक स्टेबल गवर्नमेंट विथ गवर्नमेंट विलिंग टू टेक डिसीजन ऑन रिफॉर्म्स और प्रोग्रेस उन उन डिसीजनस में हुए जो रियल स्टेट स्टैचूटरी रेगुलेटरी डिसीजंस जो पेंडिंग हैं मसलन जैसे कि हमने देखा है कि सभी ने जो रीट्स के पेपर फ्लोट की है अगर वो हम लागू करते हैं तो कमर्शियल डेवलपर्स के लिए एक लिक्विडिटी पैदा होगी आगे जाके अगर हम रिटेल एफ डी आई देखें जो कि प्रोमिनंट पार्टीज़ ने कहा है कि रिटेल एफ डी आई में उनका समर्थ रहेगा अगर वो लेजिस्लेशन आगे जाके पास होता है तो रिटेल की मैं समझता हूँ बड़े बड़े ब्रांड्स जो यूरोपियन और अमेरिकन कंट्रीज से आना चाह रहे हैं इंडिया में उनकी एक डिमांड आ जाएगी और और ऐसे कई जो लेजिस्लेशंस रुके हैं डिसीजंस के लिए ये जब इम्प्लीमेंट होंगे आ, तब मैं समझता हूँ कि एक डिमांड सी आ, ब, बनेगी एज ऑफ नाउ देखिए कमर्शियल और रेजिडेंशियल दो एसेट क्लासेज मायने रखते हैं इस डिस्कशन के लिए कमर्शियल में ओवर सप्लाई सी सिचुएशन है पर ये डायरेक्टली इकोनॉमी से रिलेटेड है जो 4.5 पॉइंट परसेंट जी ग्रोथ है अगर हम इसे एक स्टेबल गवर्नमेंट विद स्टेबल पॉलिसीज़ वी कैन टेक दिस ग्रोथ फ्राम फोर पॉइंट फाइव टू सिक्स सेवन परसेंट बैक टू दर्लियर हाई ग्रोथ यू नो इन्वायॉयरमेंट तो मैं समझता हूँ ये कमर्शियल प्रॉपर्टी के लिए बहुत अच्छा साबित होगा बहुत अच्छी अप्सॉप्शन देखने मिलेगी और उस उसी में कमर्शियल की एक रिवाइवल साइकिल से आएगी जो रेजिडेंशियल है वो एक मिक्सड बैग है हमने देखा है नॉर्थ में दिल्ली में ट्वेंटी परसेंट तक गिरावट देखी है कोई कोई पॉकेट्स में बॉम्बे में प्राइज़ अभी भी रैक रेट्स पे हाई है पर इनडायरेक्ट डिस्काउंट्स स्कीमें काफ़ी चल रही हैं बेंगलोर जैसे शहरों में जो आई टी हैं उनमें हमने देखा है कि आ, अगर आई और आई टी कंपनियाँ अच्छी कर रही हैं तो सेल्स बनी रहती हैं तो ये मिक्स बैग है ओवरऑल रेजिडेंशियल में स्टेगनेंट सेल्स का काफी दबदबा है और इसको सुधरने में मैं समझता हूँ वक्त वक्त लगेगा जी सचिन आपको क्या लगता है कि जो इन्वेस्टर है वो कितना लंबा इंतज़ार इलेक्शंस के खत्म होने का करता रहेगा और क्या इलेक्शंस के खत्म होने के बाद प्राइस डायनेमिक्स थोड़े चेंज होंगे क्या बायर कॉन्फिडेंस में कोई फर्क आएगा देखिए इसको अगर मैं स्ट्रेटिजिकली देखूँ तो तीन लेवल पर मैं इसका अप्रोच देखना चाहूंगा uh, एक होती है मार्केट की साइकोलॉजी जब इलेक्शन एकदम खत्म होंगे फर्स्ट इंपैक्ट होता है मार्केट रीड करती है कि नई गवर्नमेंट कौन सी आ रही है पावर में व्हाट इज़ द परसेप्शन आगे जाके इनका क्या uh, अप्रोच हो सकता है टुवर्ड्स तो द ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी व्हिच इज ऑब्वियसली पॉजिटिव ही रहेगा कोशिश सब कुछ रहेगी तो पहला एक मार्केट में एक सेंटिमेंट आता है कि आपकी मार्केट थोड़ी सी इंप्रूव करेगी उसमें दैट्स द इनिशियल फील द नेक्स्ट लेवल है विच इज़ द बिल्डिंग फेज जिसमें गवर्मेंट की पॉलिसीज रेगुलेशन जो 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 सारे एस्पेक्ट्स हैं विच विल हार्ड वायर्ड इं टू अर इकोनॉमी जिसकी वजह से पूरी इकानमी का प्रेसर बिल्डअप होगा इन टर्म्स ऑफ डिमांड वीज़ नेक्स्ट किक इन करती है जिसमें अगर फिर वो देखा जाएगी गवर्मेंट कौन सी पॉलिसीज़ लेके आती है बाकी जो आपके वेरियस पॉलिसीज़ हैं रेगुलेशन हैं द हाउ डू दे कम इन टू अपले एट वॉट पॉइंट ऑफ टाइम किस तरह वो चीज़ मार्केट में इंपैक्ट करती है लोकल डिमांड को फ्रॉम अ डोमेस्टिक डिमांड पॉइंट ऑफ व्यू वो एक सिग्नल जाता है मार्केट में टू विच मार्केट रिएक्ट उसका टाइम पीरियड हो सकते हैं दो क्वार्टर लग जाएँ आपके टू सी हाउ द गवर्नमेंट सेटल्स इन वो किस तरह पूरी पॉलिसीज डिटमिन करते हैं किस तरह वो लेके आते हैं थर्ड लेवल होगा आपका जब गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में किस तरह बिल्ड करके पूरा लॉन्ग टर्म ग्रोथ बनाता है पूरी कंट्री के लिए और कौन से एरियाज बिल्ड अप होंगे कहाँ पर कैसी ग्रोथ होगी सो इट्स ए थ्री स्टेप प्रोसेस जिस तरह पूरी मार्केट रीड करती है वो किस तरह इन्वेस्टमेंट मूव करती है

पीई का किस तरफ आपको लगता है ज़्यादा रुझान आने वाले सालों में रहेगा और क्या उनमें वो कॉन्फिडेंस अभी है मार्केट को देखते हुए और सेक्टर को देखते हुए कि वो इतना पैसा डालें जिससे फर्क पड़े इस सेक्टर पे देखिए पी की अगर हम बात करें तो इसमें आई लाइक टू टेक अ स्टेप बैक और पी की जो बैकग्राउंड है ये जब इंडिया में आए स्पेशली जो फॉरेन प्राइवेट इक्विटी फंड प्लेयर्स हैं आफ्टर वर परमिटेड टू कम मैं समझता हूँ उनको अपने जो रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशन थी उनको जो अपने प्रोजेक्ट्स से एग्ज़िट की एक्सपेक्टेशन थी जो टाइम फ्रेम सेट किया गया था काफ़ी पीज़ ने धोखा खाया है और ये नॉट नेसेसरली कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट था क्योंकि अप्रूवल्स और क्लियरेंसेस काफ़ी सिटीज़ में आ, अटक से गए थे और दो तीन साल के प्रोजेक्ट डीलेस लगभग मुंबई जैसे शहर में हमने देखा है बिकेम द नॉम इस वजह से प्राइवेट इक्विटी uh, की जो एक्सपेक्टेशंस uh, है वो मीट नहीं हुई है इस कोशिश नोट से मैं समझता हूँ प्राइवेट इक्विटी आज गुजर रहा है और उनको हालांकि पैसे है एंड दिटिंग ऑम द फैंस वो भी यही चाह रहे हैं कि एक स्टेबल सी गवर्नमेंट अगर आके पॉलिसीज़ uh, को स्टेबिलिटी से रिफॉर्म प्रोसेस में कंटिन्यू रखे और हमें एक uh, पाँच पाँच साल का uh, दौड़ मिले एक स्टेबल गवर्नमेंट से जो कि हम समझ रहे हैं इस इलेक्शन में हो सकता है उड़ती उड़ती खबरें हैं एनडीए सरकार की और और मोदी सरकार की अगर इनमें से कोई भी अच्छी मेजॉरिटी से स्टेबल गवर्नमेंट फॉर्म कर कर सकता है और उनके डिसीजंस पॉलिसी मेकिंग की तरफ जो कि पॉलिसी पनालिसिस ही हो गई थी लास्ट दो तीन साल में पॉलिसी मेकिंग की तरफ अगर ध्यान दें तो ये पी फर्म्स आर वेरी इंटरेस्टेड इंडिया की ग्रोथ स्टोरी वापस आ सकती है तो ये सब डिपेंड करेगा मैं समझता हूँ इलेक्शन के रिजल्ट्स पे और आगे की पॉलिसीज़ पे हालांकि डोमेस्टिक फंड्स हम अगर देखें वो ज़्यादा एडुकेटेड हैं उनको यहाँ के पिटफॉल्स ज़्यादा पता है तो हमने देखे हैं आई सी आई जैसे डोमेस्टिक फ़ंड्स हैं उन्होंने अपने कई कई प्रोजेक्ट्स में ठीक uh, अच्छा किया है और कई पे अटके हैं तो ये एक मिक्स बैग सा है और प्राइवेट इक्विटी फंड प्लेयर्स आज के तारीख में मैं समझता हूँ कॉशियसली अवेट कर रहे हैं अच्छे डायरेक्शन का और अच्छी पॉलिसीज का सचिन uh, uh, आप क्या मानते हैं कि स्टेबल uh, गवर्नमेंट uh, का आना एक स्थिर सरकार का आना ज़ाहिर तौर पर पूरे सिर्फ रियल इस्टेट सेक्टर ही नहीं पूरी इकोनॉमी के लिए ज़रूरी है लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को जिस तरह से पुश मिलता है एक आ, आ, स्टेबल गवर्नमेंट के आने के, के बाद उसका कितना असर रियल एस्टेट सेक्टर पर पड़ता है क्योंकि कई लोग सिर्फ मानते हैं कि रियल एस्टेट कंपनियों को पैसा मिल रहा है वो मकान बना रहे हैं या कमर्शियल स्पेस बना रहे हैं तो बस वही जरूरी है लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का अप्रूव होना और बनना कितना ज़रूरी होता है देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इज़ द बैकबोन फॉर एनी काइंड ऑफ डेवलपमेंट और वो सपोर्ट करता है रियल इस्टेट या कोई भी सेक्टर आपका ग्रोथ होगा एनी इकोनॉमिक सेक्टर विद इन द कंट्री को इन्फ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होती है चाहे वो रोड्स हैं चाहे वो टेलीकॉम है अगर आप रेजिडेंशियल एरियाज रिहायशी एरिया में जाएंगे वहाँ पर आपको स्कूल चाहिए आपको हॉस्पिटल्स चाहिए बड़े स्केल के प्रोजेक्ट्स चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर जब तक नहीं आएगा प्राइस डिफ्रेंशियल और प्राइस क्यूनेस रहेगी मार्केट के अंदर स्पेशली जो एरियाज आपके ऑलरेडी हैं जिनके पास बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर है जिनके पास कुछ नहीं है पीपल प्रेफर टू कम टू एरिया जहाँ पर उनको सारा इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाता है अब यहाँ पर क्या है कि अगर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर यूनिफॉर्म रहेगा आप एक पूरा बैलेंस डेवलपमेंट अक्रॉस द कंट्री देखेंगे एंड तो यू विल सी न्यू पॉकेट्स एंड ग्रोथ कमेंगे बिल्कुल बैलेंस्ड अप्रोच होगा वेरी हेल्दी लाइफस्टाइल होगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा और उसमें बहुत सारे ऑपरचुनिटीज़ मिलेंगे फॉर द इंटायर मार्केट टू ग्रो अपना राशन लेना मच मोर बैलेंस्ड मैनर जिस तरह ऊपर उठता है वो तो उसमें गवर्मेंट किस तरह उसको ड्राइव करता है कितनी इंफ्रास्ट्रक्चर कितनी जल्दी पुश हो सकता है वो बहुत क्रिटिकल फैक्टर होगा फॉर एनी इन्वेस्टमेंट्स टू कम इन टू द कंट्री बिकॉज जितनी ज्यादा मूवमेंट होगी जितना ज़्यादा प्राइस अप्रिसिएशन होगा जितनी इंप्रूवमेंट्स होगी विल सी लैकि मोर काइंड ऑफ स्पेंडिंग हैपनिंग इन द कंट्री और जितनी ज्यादा स्पेंडिंग होगी उसमें उतना ही ज्यादा सेक्टर को मूव करने का चांस मिलता है ऊपर सो दैट थिंग इज वेरी क्रिटिकल टू गेट द होल फैब्रिक टुगेदर जिसके अंदर वो पूरी की पूरी ग्रोथ आप अगले लेवल तक आप देख सकते हैं